नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का उदयपुर टूर में। आज हम देखने वाले हैं बागोर की हवेली। बहुत ही अमेजिंग जगह है। अंदर आपको इतना कुछ देखने मिलेगा जो कि आपने शायद कहीं और नहीं देखा होगा। बाहर से देखने में भले ही आपको एक छोटा लगे, लेकिन अंदर बहुत सारे कमरे हैं। लगभग 100-150 कमरे इसके अंदर हैं। बहुत सारा अच्छा सा सुंदर सा म्यूजियम है, बहुत सारी हेरिटेज वाली चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, एंटर करते हैं बागोर की हवेली। यहाँ का एंट्री शुल्क है 55 रुपये, यानी कि 55 रुपीज पर पर्सन। और आज हमें इस हवेली को दिखाने वाले हैं हमारे टूर गाइड मिस्टर यूसुफ जी। ये लगभग 300 साल पुराना हवेली है, जिसे महाराणा संग्राम सिंह जी ने अपने प्रधानमंत्री के लिए बनवाया जी। जब प्रधानमंत्री की डेथ हुई, उनका कोई वारिस नहीं जो इस हवेली को क्लेम कर सके, तो फिर बाद में इस हवेली को महाराणा संग्राम सिंह जी ने अपने छोटे भाई को गिफ्ट कर दिया। तो फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन, टिल 1947 तक वो शाही परिवार इस हवेली के अंदर। ऐसी ही और दूसरी शहर के अंदर 180 हवेलियां हैं, उनमें ये हवेली सबसे बड़ी है, क्योंकि इसके अंदर 138 कमरे हैं। 138। तो जब देश आज़ाद हुआ तो इनका पॉलिटिकल पावर डेमोक्रेसी में मर्ज, तो फिर इसको स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को हैंड ओवर किया। अच्छा। तो 1997 से हमने इसको रेनोवेट करके पूरा एक हेरिटेज म्यूजियम बनाया। अच्छा। म्यूजियम के अंदर आप देखोगे कि शाही परिवार का जो रहन सहन, जीवन शैली उनका कैसा था, उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया जी। तो इस हवेली के अंदर ये जो आप सामने वाला पूरा एक स्ट्रक्चर ले लो जी, उस जमाने में वन पीस ऑफ सैंड रॉक था। वन पीस, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, कल्पना करिए, मोर देन 20 एलिफेंट इस रॉक को यहाँ लेकर आया। पूरा आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन ने इसको नेल्स और हैमर से क्राफ्ट करके नीचे लोटस बनाया, ऊपर पानी के फुहारे बनाए, फिर उसके ऊपर कुलदेवी का मंदिर बनाया। अच्छा। शाही ज़माने में जब कभी यहाँ पे गेस्ट वगैरह विजिट करते थे, ये पानी के फुहारे बिना इलेक्ट्रिसिटी और पावर के चलते थे। अच्छा। कैसे चलते थे वो हम देखें। ठीक है। तो देखिए, हवेली, महल और राजमहल और बड़े बड़े फोर्ट के अंदर हमेशा से 3 दरवाजे एंटर और एग्जिट के लिए होते थे। एक रास्ता सिर्फ मर्दों के लिए, एक जनानियों के लिए, वो पीछे आपको लेडीज के लिए होता था, और कुछ सीक्रेट मैसेज सर्वेंट्स के लिए होते थे, ताकि सर्वेंट और सिक्योरिटी गार्ड उनको फास्ट सर्विस हॉस्पिटैलिटी सर्व कर सकें। रोज शाम को यहाँ पे एक कल्चर शो होता है धरोहर के नाम से, जिसमें राजस्थानी फोक डांस म्यूजिक पपेट शो, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से एक शो किया जाता है आने वाले टूरिस्ट के एंटरटेनमेंट। लेकिन शाही ज़माने में इस घराने की जो राजपूत लेडीज़ घूंघट और पर्दे में रहती थी, वो सुबह यहाँ योगा और मेडिटेशन कर, उनकी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के बाद ये एक छोटा स्विमिंग पूल था, देखिए आप पूल बना हुआ, जिसको सप्ताह में एक बार लेडी सर्वेंट नौकरानियाँ बहुत सारी वाटर बकेट लेके आती थी लेक पिछोला से, और इसको पूरा फिलअप करना। थोड़ा आगे आएंगे आपको देखेंगे, वो स्विमिंग पूल में अंदर उतरने और बाहर निकलने के लिए सीढ़ियाँ बची हुई, और उसी के नीचे एक ड्रेन होल दिया हुआ है। तो जब कभी यहाँ से पानी ड्रेन करते थे बाहर, वो फाउंटेन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी और पावर के चलते। अच्छा। फिर इसको वापस रिचार्ज किया जाता था, नया और ताज़ा पानी लेक से ला करके नौकरानियाँ इसको भर देती। सामने वाले कमरे उनके चेंजिंग रूम थे। अच्छा। और जब हमने इसको संग्रहालय में कन्वर्ट किया, तो कुछ फैसिलिटीज और दो कमरे हमारे ऑफिस के लिए रहे। अच्छा। तो ये जो वन पीस ऑफ सैंड्रॉक का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा था, यहाँ आप देखोगे कहीं भी आपको सीमेंट, आयरन, कंक्रीट का कहीं काम नजर नहीं आएगा, खाली चट्टान पक्का है ये पूरा का पूरा ही। वैसे पूरा पूरा सैंड्रॉक। तो सैंड्रॉक में क्या होता है कि मिट्टी की पतली पतली लेयर चढ़ती रहती है, और धीरे धीरे ये रॉक के अंदर तब्दील हो जाता है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन। तो 270 साल पुरानी ये कारीगरी आप सैंडस्टोन्स के ऊपर देख रहे हो यहाँ पे, काफी जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि लेयर्स परत दर परत, परत दर परत बहुत मजबूत हो जाता है। ये कुलदेवी का मंदिर है, आप देख सकते हैं स्टिल अलाइव, अभी सुबह पूजा खिड़की में सुने। खिड़की में ये कुलदेवी का मंदिर है, बाण माता कुलदेवी थी हमारी, ये सर मैं सिसोदिया हूँ। अच्छा। तो बाण माता की पूजा अस्त्र शस्त्रों के साथ में की जाती थी जी। तो जब कभी वो लड़ाई पे जाते थे या कोई शिकार करने के लिए जाते थे, पूजा पाठ वगैरह राजे रजवाड़े वो यहीं पे करते जी। तो इसकी छत की दीवारों पे जब आप देखोगे, देखो आप, ये उस जमाने की पुरानी फ्रेस्को पेंटिंग है, जिसके अंदर चारों धाम बने हुए हैं।
अच्छा, सामने की तरफ गंगा नदी के साथ काशी है, वाराणसी शिव भगवान की नगरी है, फिर मथुरा द बर्थ प्लेस ऑफ कृष्णा आपको वहाँ देखने को मिलेगा, पीछे की तरफ पुष्कर धाम जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, सारी देवी देवता पधारे हुए, और ये साउथ ऑफ इंडिया के मीनाक्षी मंदिर है जो लक्ष्मी के। जी जी, तो कहने का मतलब है ये जो रानियां थी बिना ट्रैवलिंग के एवरी मॉर्निंग चारों दिशाओं में घूम करके इन देवी देवताओं की चारों धाम की यात्रा करती। ये भी पेंटिंग 170 साल पुरानी है जिसको दीवार पे राजे रजवाड़ों के टाइम में बनवाई गई थी जी। और इसी की सार संभाल के लिए हम हर साल उदयपुर शहर के मास्टर आर्टिस्ट को यहाँ बुलाते हैं और फिर वो इसके ऊपर नया पेंट करके जाते हैं जी। क्योंकि बरसात, धूप और मिट्टी के कारण इसके रंग खराब होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं गायों के और इसके कुछ रंग उतर रहे हैं, इसको वो नया पेंट करके जाएंगे। तो यहाँ आने वाले देसी, विदेशी, अमेरिकन, यूरोपियन टूरिस्ट वो भी ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं में हु इज गॉड, गॉड कौन है। तब मैं उनको बताता हूँ कि हिंदू फिलोसॉफी और दर्शन के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव दे मेक अ साइकिल ऑफ लाइफ। क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं जो सृष्टि रचयिता है ही डू जनरेशन एंड क्रिएशन फॉर द सोसाइटी, ये जनरेट करते हैं। विष्णु भगवान ही लुक आफ्टर मेंटेनेंस, स्टेबिलिटी एंड ऑपरेशन फॉर द सोसाइटी, और लॉर्ड शिव जो है ही डिस्ट्रॉय द नेगेटिव एनर्जी, देन ही गिव ऑल हिज पॉजिटिव टू जनरेटर, जनरेटर वॉन्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन गोइंग डिस्ट्रॉय, ये एक साइकिल बनी। तो जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, जी ओ डी गॉड मेक्स। ओके, तो उनके मुंह से निकलता ओ एम जी, ओ माय गॉड, रियली मेवाड़ का मतलब है माय मदर लैंड, मेरी माता। तो यहाँ के राजाओं का जो मोस्ट हाईएस्ट टाइटल था वो था महाराणा, और दूसरे राजस्थान में और इंडिया के अंदर वो टाइटल था महाराजा। तो इतिहास में जब कभी लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, महाराजा राजमहलों में रहते थे और अपने सेनापति को लड़ाई करने भेजते थे, लेकिन महाराणा जो थे वो अपनी सेना को खुद कमांड करते थे और शत्रु सेना से फेस टू फेस फाइट करते थे। आज समझ में आई कि महाराणा और महाराजा में क्या अंतर है। नहीं, वो तो फिर भी अधीनता स्वीकार करो मिल जाता है, ये कभी ये तो राजा महाराणा कहलाते हैं क्योंकि वो सेनापति के खुद मतलब खुद होल्ड करते थे। वो इसलिए कि जो इनके पूर्वज थे महाराणा बप्पा, अगर आपने बप्पा बप्पा रावल जी, बप्पा रावल के इष्ट देवता थे शिव भगवान, एक लिंग। तो बप्पा रावल को जब आशीर्वाद मिला कि तुम इस धरती का राजा बने शिव की तरफ से, तो बप्पा रावल ने कहा कि आप हमारे इष्ट देवता हो, तो राजा तो आप रहोगे लेकिन मैं आपका सेनापति हूँ। समझ रहा हूँ, मैं आपका सेनापति हूँ, राजा आप, इसलिए मुझे। इस हवेली में एक छोटा झरोखा और खिड़की है जो मेरा ऑफिस भी है। पिछोला झीली है, पिछोला झील के किनारे जितनी भी आप छोटी और बड़ी हवेलियां देख रहे हो उस शाही जमाने के अंदर ये जमींदारों की हवेलियां हुआ। ये लोग अपनी जमीन से रेवेन्यूज, टैक्स, मिलिट्री फोर्स, लेबर और सर्वेंट कलेक्ट करके राजा को देते। तो जब देश आजाद हुआ इनका पॉलिटिकल पावर खत्म हो गया, तो अभी इनके जो वंशज है या जनरेशन है वो इन हवेलियों को एज ए होटल और गेस्ट हाउस रन कर रही है। तो जैसा हमें पता है कि इतिहास में एक राजा बहुत सारी शादियाँ करते थे, वो शादियाँ एक तरह का पॉलिटिकल अलायंस होता था, सारे रिश्तेदार मिलकर एक बहुत ही ग्रेट डिफेंस और अटैक आर्मी बनाते थे अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के। तो शाही परिवार में जब कभी शहर में मेवाड़ के अंदर राजस्थान में सर्दी का मौसम होता था तो शाही परिवार सिटी पैलेस के अंदर रहता, चार महीने के बाद जब गर्मियां शुरू होती थी तो उनका पैलेस शिफ्ट होता था पानी के बीच में जल महल, जिसको हम लेक पैलेस बोलते हैं। और फिर चार महीने के बाद जब मानसून सीजन आता था बरसात का महीना, सावन का महीना, तो महाराणा सज्जन सिंह जी ने अरावली के पहाड़ के टॉप पे वो सज्जनगढ़ बनाया। ठीक, तो अंदर चलेंगे हम, देखेंगे तो ये बड़ा हॉल जो था ये राजे रजवाड़े के टाइम में दरबार खास था,
अच्छा। खास लोग जब राजा रजवाड़ों से मिलने के लिए आते थे तो इसी हॉल के अंदर बैठते थे। ज़्यादा उनके पास टेबल चेयर फर्नीचर सोफा नहीं था। नीचे फ्लोर के ऊपर नरम कारपेट गद्दे बड़े बड़े गाओ पिलो और ये लगाए जाते थे। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वेस्ट जोन कल्चर सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ऑफिस भी है, ऑफिस तो हम नए नए आर्टिस्ट को इस हॉल के अंदर एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो अपनी आर्ट और कला को आने वाले देशी विदेशी टूरिस्ट को बताएं। तो अभी जैसे पिछले दो दिन पहले हमने जो है गांधी जयंती मनाई थी, तो गांधी जी को रेस्पेक्ट देते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमने अलग अलग आर्टिस्ट को बुलाया है। ये सारी पेंटिंग है जिनको इन्होंने कैनवास के ऊपर बनाया, पेंसिल का आर्ट है। यहाँ पर जगह है जहाँ सिंहासन लगा करता था। अच्छा, यहाँ से सिंहासन और ये तो पार्टीशन नहीं था, अब लगाया है। हाँ, यहाँ लोग बैठा करते थे। तो इन सब में मैं बार बार यहाँ विजिट कर रहा हूँ, इनकी पेंटिंग में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। क्योंकि एक छोटा सा ये जो घटना घटी थी, इसी ने वकील जो करमचंद था उसको महात्मा गांधी बना दिया जी। तो साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने नीचे उतारा कि यू आर अ ब्लैक पर्सन, आप हमारे साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। गांधी जी को भी ये इंसिडेंट याद आ रहा, अंदर बैठा मैं कैसे क्या था। बीच में सरकार ने भी चाहा था कि हमको एक ऐसा पॉइंट बनाते हैं जहाँ से आने वाला टूरिस्ट गाँव में बैठ जाए और वो एक पीछे लगा चक्कर लगा के उस लेक में चला जाए, फिर तीसरी लेक में, चौथी लेक में, सारी लेक को घूम करके नेचुरलिटी खत्म नहीं हुई थी। उससे क्या हो रहा था कि जो नाव चल रही थी वो पेट्रोल या उस सिस्टम से चल रही थी, तो झील के अंदर भी प्रदूषण बढ़ रहा था, जीव जंतु और ये भी खत्म हो रहे थे। मैं आपको ये बता रहा था कि आप जान लो हवेली महल पैलेस के अंदर जलाना और मर्दाना महल हुआ करते थे। प्रेजेंट टाइम के अंदर मर्दाना जो महल हुआ करता था हवेली का, मर्दाना सेक्शन, उसके अंदर वेस्ट जोन कल्चर सेंटर का ऑफिस चल रहा है। और जो जनाना महल है उसके अंदर हमने यहाँ की रानियों का जो जीवन शैली था, 1940 में राजा के जो छोटे भाई के वंशज इस हवेली के अंदर रहे, उनको उनके पास भी आठ रानियाँ थी। वो जनाना महल में कैसे रहती थी उसको हम देखने आए। जब कभी इस घराने के अंदर किसी लेडी की जन्मदिन होता था, बर्थडे पार्टी होती थी, तो वो रानी जो है यहाँ खड़े होते थे और नीचे चौक में आप आ जाते रानी बन जाओ रानी महसूस कीजिए। और यहाँ खड़े होकर के रानी जो है अपनी नौकरानियों को इंस्ट्रक्शन देती थी कि ये फल की टोकरी उस परिवार को दीजिए, ये कपड़े की गठरी उस परिवार को दीजिए। तो दान दक्षिणा चैरिटी डोनेशन सब कुछ उनका यहीं से चलता था। उनके इष्ट देवता देवी देवताओं के बिहाफ पे वो यहीं से करते। छोटे भाई की फैमिली रही है। एक सवाल समझ में नहीं आ रहा, बागोर नाम क्यों पड़ा है? देखिए बागोर इधर के शहर से लगभग 125 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तहसील है जी। तो ये ठिकाना जो है वो अपने छोटे भाई को दिया था, तो इस हवेली का नाम रखा बागोर की हवेली। 180 जो दूसरी हवेलियां हैं उस जमाने के अंदर मेवाड़ के अंदर जो भी बड़े बड़े तहसील थे वहाँ के जमींदार उन हवेलियों में, आमेठ हवेली आमेठ के लोग रहते थे, थामला हवेली तो थामला के जमींदार उस हवेली के अंदर। तो बागोर हवेली जो परिवार जो बिलोंग्स टू द बागोर दे यूज्ड टू लिव इन दिस हाउस, तो इसका नाम बागोर। तो ये पूरा जनाना सेक्शन जहाँ पे राजा की रानियाँ, आप कमरा देखोगे ये उन रानियों का वेलकम रूम, ड्राइंग रूम या रिसेप्शन हुआ करता था। आसपास की हवेलियों से जो सखी सहेलियाँ मिलने आती थी सारी लेडीज यही बैठती थी। तो जैसा मैंने आपको बताया ज़्यादा टेबल चेयर सोफा फर्नीचर नहीं था, नीचे फ्लोर पे नरम गद्दे गाओ पिलो सकते थे। गर्मी के दिनों में ये पंखा चलता था, एक दासी बाहर बैठ के डोरी खींचती थी पंखे से। तो जब रानी दो बार ताली बजाती थी तो नौकरानी अंदर आके हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज सर्व करती थी, और जब रानी एक बार क्लैप कर दी थी उसको बाहर। तो जितने भी आप कमरे देखोगे चैम्बर देखोगे वो छोटे छोटे,
अंदर आने के लिए दरवाजा है और एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए बांस के पर्दे होते हैं। सामने ये रानियों के लिए स्मोकिंग चैम्बर था जहाँ हमको चांदी के हुक्कों में अलग अलग फ्लेवर के तंबाकू वगैरह जो है वो दिए जाते हैं। एक चक्कर आप अंदर लगाए छोटा कमरे के अंदर। शाही परिवार ने काम में लिया हुआ है सब। अच्छा, और सिर्फ 30% चीजें हम बाजार से लाए हैं और यहाँ पे डिस्प्ले किया ताकि आपको आइडिया मिले कि सही वो कैसे है। बाकी कुछ चीजें तो ओरिजिनल भी हैं। चीजों को मैं हाथ लगा सकता हूँ जैसे बाकी ये बाजार से अगर कांच के अंदर संभाल के अंदर रखे हैं ये ओरिजिनल परिवार के। अच्छा, कॉस्मेटिक बॉक्स अलग अलग तरह की लिपस्टिक्स वगैरह वो इसमें यहाँ पे तैयार होने का। ये शाही जो है उन्होंने पहना हुआ 1940 उस समय ये चलता था। जरी दर्द होती है सुनहरी धागे से। ये चांदी का बॉक्स जिसमें डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी सब चांदी के इत्रदान चांदी का और ये जो है सुरमे दानी भी है और सिंदूर दानियां वगैरह जो है सब चांदी के। तो सोना और चांदी आज भी पूरी दुनिया के अंदर वो स्टेटस सिंबल है। सबसे पवित्र धातु जो माना गया है चांदी। तो ये आप देखिए उस जमाने का बाथरूम और यहाँ हुआ करता था। सुबह सवेरे इस पटिए को लकड़ी के टेबल को यहाँ सेंटर में रखते थे आईने के सामने। अच्छा, और हर घड़े और पॉट्स के अंदर रोज वाटर जैस्मिन सैंडल मस्क रखा जाता था। दासियाँ ये रास्ते अलग अलग बेडरूम में जाते थे। जो रानी पहले उठती थी वो पहले नहाती थी फिर मेकअप रूम में जाती थी फिर गेस्ट वगैरह। फर्स्ट कम फर्स्ट सर उनको सर्विसेज मिलती। अच्छा, तो कुछ पेंटिंग आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से एक दूसरे को जो है सिस्टम वगैरह लगाया जा रहा है नतीजों पेंटिंग हो रहा है पेंटिंग से करवा जा रहा है कैसे तैयारियाँ की जा रही है कैसे नौकरानियाँ उनको स्टार्ट कर रही है। तो नौकरानियाँ जो होती थी वो राजा अपनी रानी और दासियां जो होती थी वो दहेज यहाँ। अच्छा, एक एक रानी के बाद दो दो तीन तीन दासियां दो दो तीन तीन नौकरानियां होती थी। दासियों का काम झाड़ू लगाना पोछा करना साफ सफाई नौकरानियों का काम आने वाले मेहमानों को सांगा चाय कॉफी। इस कमरे को आप देखोगे ये उनके मनोरंजन के लिए इंडोर गेम रूम था। यहाँ अपनी सखी सेवा के साथ वो पासा और चौसर खेलती थी। सामने आप देखोगे सांप सीढ़ी का खेल रखा हुआ है। बहुत पुराना जमाने से चला है यही तो थे मनोरंजन। ये छोटे छोटे झरोखे क्या है उनके बातचीत करने के लिए छोटी खिड़कियाँ खुलती थी। तो नीचे गली में बाजार रहता बाजार से कोई रानी को खूबसूरत चेहरा नहीं देख सकता। उनका घूंघट पर्दा इज्जत रेस्पेक्ट बनी रहती है इसलिए छोटे छोटे शिव और पार्वती के लिए आइडल्स रखे हैं यहाँ पे ना। हर साल इनका वापस नया डेकोरेशन किया जाता है फिर इनकी शादी की बारात जगदीश मंदिर से रणगौर घाट तक आती है। और जब ये फेस्टिवल ख़त्म होता है तो हम इनको मंदिर के दूसरे वाले कमरे में संभाल कर देते हैं क्योंकि रणगौर का जो है वो पानी में विसर्जन नहीं होता। ये मंदिर तो संस्कृत में गण मतलब शिवा और गौर मतलब गौरी गण गौरी ये दो शब्द मिलकर के राजस्थान के जो सिंह हैं वो सब हैं शेर बाघ एज ब्रेव एज टाइगर और पंजाब के जितने भी सिंह हैं वो हैं सिंह लायन एज ब्रेव एज लायन क्योंकि उनके पास दाढ़ी है ना। जो टाइगर है उसके पास मूंछ है। तो ये दो फर्क है सिंह के अंदर। अच्छा। तो जब कभी राजमाता अपने छोटे बेटे से मिलने इस हवेली में आते थे 5 से 10 दिन 15 दिन 2 हफ्ते रुकते थे वो इसी कमरे के अंदर रुकते थे। उनका चांदी का पलंग यही रखा हुआ
और उसके ऊपर जो गद्दा और कुशन रखे हैं ना वो हमें लाल से लाए। अच्छा, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। चांदी का बना हुआ ये पलंग, चांदी का बना हुआ है। तो छोटी और ऊंची रानी से होने वाले जो बेटे होते थे उनको जमीन दाई दी जाती थी, और बड़ी रानी से होने वाला बेटा जो डिजर्व करता था उसको राजमहल के अंदर दिया जाता। तो जब कभी राजमहल के अंदर राजा को कोई पुत्र पैदा नहीं होता, ये सारी राजकुमारियाँ होती हैं, तो वो फिर अपने छोटे भाई के बच्चों को अडॉप्ट करके राजा बनाता। तो दादाजी से तो सेम ब्लड से इस हवेली के इतिहास में भी चार राजकुमारों का बचपन यही बीता और यही से उनको अडॉप्ट करके राजा बनाया। तो कौन कितना बहादुर था वो भी हम बाद में देखेंगे। तो ये सुराही वगैरह भी जो है राजमहल के द्वारा जिनको हम हाथ लगा सक रहे हैं ये हम हाथ से आए हैं। तो जब कभी राजमाता कृष्ण भगवान के मंदिर जाती थी तो वो कृष्णा की खाड़ी थी जिसके अंदर पुष्प वगैरह भी और वगैरह से दूर रखा रहता था, और जब गणेश जी की विजिट कर लेते थे गणेश जी की खाड़ी। अच्छा हाँ, सब में बने हुए हैं क्योंकि हवेली के हर एंट्रेंस दरवाजे पर आप देखोगे इस तरीके से ये मेटल स्पाइक वगैरह का। जब कभी एक दासी हर रोज इसके ऊपर पॉइजन लगा। अच्छा, दूसरे दिन अगर कोई आदमी खुजली करता हुआ मिलता था तो उसको सजा मिलती है, या तो जासूसी करना है या चोरी करना है, क्योंकि इनको ताकत और धक्के से खोल नहीं सकते, ये चुपते ही खुजली चाहिए इसलिए काटे। अच्छा, तो ये जो कांच का काम है ये हमारे शहर के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं कांच और शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों को POP प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ चिपका करके ये डिज़ाइन, क्योंकि राजे रजवाड़ों के ज़माने में शीश महल बनाया जाता था। तो शीश महल कैसा था वो अंदर आके देखेंगे। शीश महल ये इस हवेली के जो राजा थे उनका बेडरूम था, वो इसी कमरे में सोते थे। अच्छा, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी बिजली नहीं थी। आफ्टर सनसेट जब अंधेरा होता था तो एक दीपक कोने में रखा जाता था और उसी के प्रकाश से ये सारे कांच चमकते थे। तो 1.5 से 2 घंटे तक कमरे के अंदर लाइट रहती थी। ये जो छोटा सा डाइनिंग स्पेस हुआ करता था यहाँ ब्रेकफास्ट लंच डिनर दिया जाता था। फिर म्यूजियम के बाद हमने शहर के जो अलग अलग मास्टर आर्टिस्ट हैं उन्होंने श्रीनाथ जी के अलग अलग श्रृंगार का जो है पेंटिंग्स बना करके इस म्यूजियम को डोनेट किया है कि आने वाले टीवी को पता चले कि इनकी हस्तकला वगैरह बहुत सुंदर, क्योंकि हवेली के भी हर कमरे में आप देखोगे ये जो पेंटिंग्स बनी है सारी नीचे बनी है, ये ओरिजिनल ओरिजिनल नीचे इसलिए बनी है कि जैसा मैंने आपको बताया टेबल चेयर फर्नीचर नहीं था, अगर फर्नीचर पे बैठे ऊपर चेयर पे तो पेंटिंग यहाँ होनी चाहिए, नीचे बैठते थे तो देख सकते थे क्या डेकोरेशन। तो ये जो छोटी जगह थी यहाँ डांस म्यूजिक एंटरटेनमेंट होता था, एक लेडी यहाँ डांस करती थी, पुराने जमाने में जो औरतें यहाँ बैठती थी। ये छोटा चैम्बर उनके लव और रोमांस के लिए था, और उसी के अंदर एक छोटी खिड़की थी। जब कभी कोई रानी राजा का इंतजार करती थी तो वो इस छोटी खिड़की से राजा को सामने वाली बालकनी में देखती थी। वो सोरी है कि राजा अंदर आ गया। जब राजा अंदर आते थे तो रानी वो टाइम रानी बजाने और जितनी भी लेडीज होती थी सब यहाँ से बाहर, और ये खिड़की बंद कर लेते अंदर प्राइवेसी। ठीक, तो लेडीज यहाँ घूमट से बाहर देख सकती थी, बाहर से कोई गैर मर्द और चौकीदार अंदर नहीं देख सकते। यहाँ नीचे अच्छा राजा उस खिड़की में बैठते थे, रानी मर्द जितने भी होते थे वो सारे गेस्ट नीचे कॉरिडोर में गर्म गद्दों पर बैठते थे। रानी सगी सहेलियाँ उनकी जो कजिन सिस्टर वगैरह होती थी वो यहीं बैठती कारपेट पे। अच्छा, और ये छोटी छोटी खिड़कियों से नीचे डालती थी, बट पर्दा उनका बना रहता था और जो है वो प्रोग्राम नीचे वाले देख ही नहीं पाते। तो इतिहास के अंदर वो जो 8 रानियाँ 16 रानियाँ 15 रानियाँ असल में वो सब धर्मपत्नियाँ हुआ करती थी। हर रोज एक धर्मपत्नी को एक अवसर मिलता था कि वो रानी रानी बने,
इस हवेली, समझ रहा। तो सुबह जब वो उठती थी और रात को वो सोती थी, तब तक उनको ऐसे इज्जत बख्शी जाती थी, उनकी हर बात को माना जाता था जैसे वो इस हवेली की रानी। सही। और देखो ये गणेश जी का रंगोली है, आर्टिस्ट ने चावल से बनाया के लिए चावल से बनाया। उसने क्या करा, पहले चावल को उबाला, बॉईल करने के बाद उसके आटे में गम अरबिक और ग्लू मिलाया। अच्छा। तो वो फाइन पेस्ट बन गया, उससे उसने स्कल्पचर बनाया। अच्छा। और ये पूरा चावल टूटा हुआ चावल है जिसको आप और कणकी बोलते हैं, कणकी से फिर इसको पूरा से। अच्छा, पूरे चावल के गणेश जी हैं। और पगड़ी देख के पता चलता है मर्द कहाँ से रहने वाला है, क्या उसका काम धंधा है और कौन सी स्टेट से वो बिलोंग करता है। तो कहने का मतलब ये है, पगड़ी और साफ्टे का कलर हर रोज बदल सकते हो, लेकिन उसके बांधने का पैटर्न, शेप और स्टाइल नहीं बदल सकते। फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ के जो गडरिया होता है, शेफर्ड्स जो होते हैं, वो इसके लिए किसान लोग जो है हमारे ताकि गुर्जर दूध वगैरह बेचते हैं। उनकी पगड़ी ऐसी ही होती है। उसके बाद बाजीराव पेशवा के बाद ऐसी गुजरात के अलग अलग मर्चेंट और ट्रेडर व्यापारी हैं, जिसमें रामनगर जूनागढ़ पगड़ी देख के पता चल रहा है कि कौन कौन से स्टेट का है, रोई पिंजने वाला है, कौन छोटी दुकानदार लगाने वाला है, कौन नाई है, इज्जत क्या बैठती है कि कौन कितने स्टेट पे है, फिर कौन नाई है, कौन जो है कुम्हार है, कुम्हार की जगह ये भी छोटी छोटी मिट्टी के ऊपर आर्टिकल होना है। ये नए और पुराने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का कलेक्शन है, जिसमें आप देखोगे रुद्रवीणा, तानपुरा और सितार। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि हमारे जो ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हीं को मॉडिफाई और अपग्रेड करके इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को बनाया गया है। तो पहले मैं सोचता था क्लासिकल मतलब पुराना, नहीं, क्लासिकल मीन्स नया। कैसे, ये जो रुद्रवीणा है आप और हम जानते हैं कि इसको माँ सरस्वती नारद मुनि बजाते हैं, तो ये हमारा ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। इसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को जब मॉडिफाई और अपग्रेड किया गया तो मिडिल हाफ से इसको काट करके सितार बनाया, सितार क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है। गणेश जी, गणपति ये मृदंग और ढोलक बजाते हैं, इसी को मिडिल हाफ से कट करके तबला बनाया, तो तबला क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है। कृष्ण भगवान जो पारंपरिक हमारा ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो बांसुरी बजाते हैं, इसी को जब मॉडिफाई और अपग्रेड करा शहनाई बनाई, शहनाई क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो सारंगियाँ हैं जिनको नीचे बैठ के बजाया जाता था, इन्हीं को मॉडिफाई और अपग्रेड करके वायलिन बनाया, वो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पारंपरिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को मॉडिफाई और अपग्रेड करके क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि मैं भी अभी 42 साल चल रहा हूँ, तो मैं तो 40 साल से यही सोच रहा था क्या क्लासिकल मतलब क्लासिक मीन्स नहीं। तो ये लोकल आर्टिस्ट हैं जो आप भी जानते हो, छोटे छोटे प्रतियां वगैरह होता है, ये भी इतने बोला ये बोलना बहुत सारा, क्योंकि वो क्या है जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली का हमारे पास रिकॉर्ड है 1947 तक जो लास्ट यहाँ पे 68 फैमिली मेम्बर्स, 68 रानियाँ, रानियों के बच्चे बेटे दूसरी जो है सब कुछ मिला करके 68। तो इतना बड़ा बड़ा बर्तन होने से शाही जमाने का ये चलता फिरता मंदिर था। जब बड़े बुजुर्ग लंबी धार्मिक यात्रा नहीं कर सकते तो एक आदमी इसको गांव गांव ले जा करके लोगों को देवी देवताओं के दर्शन करा, दर्शन के पट खोल रहा इसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव जी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वहीं पर, इसी में रामायण और कृष्ण भगवान की कावड़ है। तो कथाएं किस तरीके से चलती थी, कैसे होता था, तो या तो बैलगाड़ी में या घोड़ा गाड़ी के अंदर इस मंदिर को रखा जाता था, ये गांव-गांव जाता था और वो रीजनल लैंग्वेज के अंदर गांव वालों को समझाने लगे। मेवाड़ से गया तो हाड़ोती भी बोलता था, वागड़ी भी बोलता था, शेखावती भी बोलता था। तो देखिए इसके पट खुल रहे हैं जिसमें हम रामायण देखेंगे। Thank you.
तो ये जो छोटी छोटी घटना है दुर्घटना है जो यहाँ पर हुई थी उसी समय चलचित्रों के माध्यम से दिखा देते चलचित्र तो दादा दादी के साथ छोटे बच्चे वगैरह जो है घर को देखने आते हैं कथा के अंत में आप देखो हनुमान जी ने लंका जला दी विजयदशमी मनाई कैसे देखते थे वो सारी जानकारी हम यहाँ पर उनको देते हैं और कृष्ण भगवान के बारे में वो जानना चाहते हैं तो ये कृष्ण का जन्म हुआ जन्माष्टमी मनाई जा रही है वासुदेव यमुना पार करा रहे हैं माँ यशोदा के साथ खेल रहे हैं नहीं ये छोटी छोटी घटनाओं को वो आदमी गा करके बजा करके सुनाते थे। सर मैं आपको यह बता रहा था कि मेरा सिलेक्शन एज ए टूर गाइड क्यों हुआ क्योंकि ये जानकारी आप हम सब जानते हैं एक छोटी सी अलग जानकारी जो मेरी नानी ने मेरे को बताई हिंदू देवी देवताओं का जितना भी चित्रांकन होता है या मूर्ति बनाई जाती है उनके चार हाथ बनाए जाते हैं चाहे वो विष्णु भगवान हो लक्ष्मी हो चाहे वो गणेश हो तो इसलिए कि सनातन धर्म के अनुसार आदमी और औरत ही एंड शी द सिंबल ऑफ वो जो है कुदरत को बैलेंस करने के लिए नर और नारी है तो अगर विष्णु भगवान के चार हाथ बताए हैं तो इसमें दो स्वयं विष्णु भगवान के हैं दो लक्ष्मी के हैं अगर लक्ष्मी के चार हाथ बने हैं तो दो लक्ष्मी के दो विष्णु भगवान के हाथ इधर या तो ऋतिक हैं या सिद्धिक हैं और यही चार हाथ आपस में जुड़ करके इस जिसको यहाँ से आप कैसे ड्रॉ ये तो आप मतलब इतना बड़ा ज्ञान दे गए कि सर हर इतना जगह पर मतलब महाराजा से महाराणा ऐसे तो बड़े पंडित को भी नहीं पता होगा आपके बराबर है तो मतलब स्वास्तिक चित्र बड़े बड़े जो ज्ञानी पंडित है ना वो नहीं बता सकते हैं ये आप जो बता रहे तो अगर पूजा करते वक्त या कोई नए काम को करते हुए मैं ये स्वास्तिक चिन्ह बना रहा हूँ अपने इष्ट देवता को ध्यान में रखते हुए इष्ट देवता मान लीजिए कृष्ण भगवान है तो ये सिंबल डायरेक्ट डेडिकेट कर रहा है विष्णु और लक्ष्मी को तो हो सकता है कि मेरी औलाद शिव भगवान को मान रही हो तो शिव और पार्वती के लिए और हो सकता है कि अगर कोई गणेश जी की पूजा कर रहा हो तो रिद्धि सिद्धि के लिए है तो ये सिंबल जो है ये वहाँ से आया स्वास्थ्य का प्रतीक कहाँ स्वास्थ्य का प्रतीक कहाँ से आया क्यों आया ये मेरी कहानी है जी जी कभी सगदी कॉलोनी के यहाँ पे कोई वार्षिक उत्सव होता है यानी अमोस के बाद में शुक्रवार के उत्सव तो इस घराने से रिलेटेड शाही परिवार यहाँ विजिट करता है वो टाइम में मेरे को वहाँ मिलता है कि मैं उनको इज्जत से उनको वेलकम करूँ उनके लिए यहाँ साफ सफाई डेकोरेशन वेलकम मिलता है वो मैं यहाँ दोस्तों यहाँ पिलर्स के पास ही आपको एक जाली नज़र आ रही होगी ये पुराने टाइम के सीक्रेट वेज है यानी कि गुप्त रास्ते हैं जहाँ से सर्वेंट्स लोग यहाँ के रहने वाली रॉयल फैमिली को फास्ट सर्विस प्रोवाइड किया करते थे अभी ये रास्ते कहाँ जाकर खुलते हैं हम नीचे जाकर देखते हैं यहाँ भी एक छोटा विष्णु भगवान और लक्ष्मी का मंदिर है तो बड़े महलों में हवेलियों में या बड़े बड़े किलों में बहुत सारे मंदिर इसलिए बनाए जाते थे अलग अलग कि अकॉर्डिंग टू द वास्तुशास्त्र उस जमीन के ऊपर जहाँ जहाँ नेगेटिव एनर्जी होती थी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए देवी देवताओं को रखा जाता तो मान लीजिए इस चौक की नेगेटिव एनर्जी को सिर्फ विष्णु भगवान कर सकते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं मान लीजिए इनके सातवें अवतार कर सकते हैं तो उस जगह राम जी होंगे हनुमान जी होंगे या शिव भगवान जब कभी शाही परिवार के शुभ काम के लिए यहाँ से जाता था तो इनके ऊपर पुष्प वर्षा इनकी खिड़कियों से मान लीजिए कोई आ रहा है तो इशारा यहाँ से इसको मिलता था कि भैया डालो इस एग्जीबिशन कमरों के अंदर हमने शाही शादी की अलग अलग रस्मों को डिस्प्ले किया है जिसमें राजा रानी ये चाहते हैं कि वो उनकी राजकुमारी की शादी करें तो राजपुरोहित को इन्होंने जो है जगदीश मंदिर से बुलाया है
वो जन्म कुंडली मिलान करके लगन और मुहूर्त निकाले। मुहूर्त निकालने के बाद आप देखोगे दूसरे स्टूडियो के अंदर राजमहल में राजकुमारी ने अपनी सखी सहेलियाँ और कजन सिस्टर्स को बुलाया, तो मेहंदी और हल्दी पीटी शादी यहाँ पर होती है, शादी का तैयार। फिर जो है पड़ोसी देश का राजकुमार भी अपनी बारात लेके आया, तो ये उसको बारात को हमने यहाँ पर सजाया। कि आने वाले टूरिस्ट को ये आइडिया मिले कि राजस्थानी लेडीज का जो पोशाक होती है वो कैसी होती है, ज्वेलरी जैसा होता है, लास्टी कट वगैरह कैसा होता है। तो ये सासू माँ आरती कर रही है, करीब आरती प्रोसेस कर रही है, सच्ची आप देख सकते हो यहाँ पोशाक फेरे दिखाए हैं, फेरे लिए जा रहे हैं। अग्नि को साक्षी मानते हुए जो है राजा रानी ने कन्यादान कर दिया और दूल्हा दुल्हन जो है वो अब पति पत्नी बन चुके हैं। ये कुंवर कलेवा जो होता है जिसमें सारे नौजवान एक दूसरे को इंट्रोडक्शन परिचय देते हैं और मुंह मीठा कराते हैं, क्योंकि हो सकता है इनकी कोई कजिन बहन इनके किसी भाई को पसंद करे, तो फिर वो नए रिश्ते बने। शादी में होता है ना, जब बहू आ जाती है ना घर पे, तो हल्दी के पानी में अंगूठी ढूंढी जाती है, वो एक रस्म बताई गई है शादी। यहाँ पर राजा जी खड़े हुए हैं और यहाँ पर दुल्हन की विदाई समारोह का कार्यक्रम हो रहा है। ये देखिए दुल्हन जो कि डोली में बैठी हुई है और यहाँ पर ये पंखा झेलते हुए जा रही हैं दासियाँ। यहाँ पर गुप्त रास्ते थे जो नौकर चाकरों को फास्ट सर्विस ऊपर दे रहे। अच्छा, ये गुप्त रास्ते, ये जो छोटे छोटे चैम्बर थे ये उनके गोदाम थे जिसमें राशन सामग्री कई दिनों तक फ्रेश और ताजा रखते। अच्छा, और वो है वो रास्ता जो पीछे से गुप्त रास्ते है। तीन छोटे कमरों में नीचे बैठे थे, डेबिट क्रेडिट का हिसाब जो है वो मम्मी जी ही रखते हैं, क्या राशन आया, क्या राशन गया, अच्छा कौन सा डोनेशन गया, कौन सा हमने मंदिर के दान किया लिए, क्या कौन सा फौज की रसद के लिए गया, वो यहाँ पे लिखा है। तो जब कभी रानी राजकुमारी को हाथी की सवारी करनी होती थी तो इस खिड़की को खोला जाता था, तो यहाँ रुकती थी। अच्छा, लगाया जाता था और यहाँ से वो हाथी जो कर रहा था। अच्छा, तो ये चार राजा थे जिनका बचपन इसी हवेली के अंदर बीता था। दस साल के लिए, 12 साल के लिए राजा था ये। यहाँ सज्जन सिंह जिन्होंने करावली के ब्लॉक पे सज्जनगढ़ बनाया था, वो इन्होंने 10 साल के लिए व्यवहार किया था। अच्छा, ठीक है। बाद में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए। अच्छा, ये जो छोटी कटार डैगर और तलवारें देख रहे हो ये रानी राजकुमारी की आत्मरक्षा और डिफेंस के लिए अटैक के लिए ये वेपन होते थे। राजकुमार और राजा के पास थोड़े से हाईटेक वेपनरी होती थी जिसमें तीनों वाले लंबी और छोटी दूरी में मार करने वाली बंदूकें और सुरक्षा का। तो शाही परिवार का जितना भी अस्त्र शस्त्र होता था उसके ऊपर चांदी की नक्काशी होती थी, वो इसलिए कि मान लीजिए लड़ाई के दौरान कोई शहीद हो रहा है तो उसकी डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए नमक था। अच्छा, यहाँ से आने वाले जहाँ से लकड़ियों के ऊपर अलग अलग तरह के तीर बनाते वो शार्प है, हाँ जो कुछ शार्प भी है, कुछ चम्मच जैसे भी दिख रहा है, कुछ चंद्रमा जैसे भी दिख रहा है। हाँ हाँ जी, इसलिए व्यवहार के ऊपर मुगलों का अधिकार रखा था। समय की 1200 साल से व्यवहार हमेशा स्वतंत्र थे, इसलिए हमें भी प्राउड फील होता है कि हम हिंदुस्तान के हैं और मेवाड़ के अंदर, क्योंकि इनका जो इंसिडेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग घटना है। जब अंग्रेज यहाँ पे आए हैं मेवाड़ के राजा कौन है, सज्जन सिंह मेवाड़ के, कि हमें मालूम है कि आप मेवाड़ के राजा हो, मेवाड़ के और हम अंग्रेज़ हैं, तो हमारा राज जो है वो पूरी दुनिया को है, बड़ा राजा कौन हुआ, हम हुए, तो आप हमें रेस्पेक्ट और इज्जत कैसे दोगे, कैसे दोगे आप हमें इज्जत।
तो इन्होंने जब अपनी पूरी पोशाक पहनी और पाँव के नीचे ये ब्रिटिश बूट पहन के उनको बताया कि हम आपको यहाँ मानते हैं क्योंकि हम महाराणा प्रताप के बच्चे। उस चिड़ से अंग्रेज़ों ने अटैक किया है, उन्होंने उनके साथ फाइट करी, 8 घंटे की लड़ाई हुई थी, काफ़ी ज़ख्म हो गए थे टाइम पे, वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया तो सेप्टिक और पॉइजन होने की वजह से शहीद हो गए। 10 साल जो है राज किया है, 10 साल राज किया, 74 से 84 10 साल। इसके दरवाजों पर भी ये बड़े बड़े बनाए गए थे ताकि हाथी भी तोड़ भी खोल सके। ये जो बाहर 3 दरवाजे हैं ये घर है, ठीक है, आप और हम घूमते हुए वो ऊपर नीम के पेड़ था वाला जो हमने देखा, फिर वहाँ छत पे गए, वहाँ से हम घूम करके अंदर विजिट करके आए, तो जब आप और ऊपर चढ़ोगे तो अंदर हर चीज़ डिटेल में बनी हुई है। आप देखो दोस्तों, यहाँ पर रॉयल सागा एक रूम है जहाँ पर बड़े बड़े महान हस्तियों के यहाँ पर स्टैचूज आपको दिखाई देंगे, जैसे कि महाराणा प्रताप, शिवाजी और भी कई सारे। तो दोस्तों, ये था उदयपुर में स्थित एक म्यूजियम, बागोर की हवेली। हमारे टूर गाइड मिस्टर यूसुफ जी ने इसे काफ़ी उम्दा तरीके से दर्शाया, हमें काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।